3, 2, 1 कह दीजिए मैंने। नमस्कार मित्रों, आज ये लाइव वेबिनार, आज वर्ल्ड किडनी डे है 2022, जिसके अंतर्गत हम ये वेबिनार कर रहे हैं। ये वेबिनार का उद्देश्य है कि जो भी श्रोतागण है उनको किडनी के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन हो जाए, और 2022 का जो वर्ल्ड किडनी डे का थीम है वो भी यही है, टू ब्रिज द नॉलेज गैप। मीनिंग जो सोसाइटी में किडनी की बीमारी के बारे में जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, या नॉलेज किसी भी कारण से नहीं है, या उन तक पहुंच नहीं पा रहा है, हम कोशिश ये वेबिनार के द्वारा यही कर रहे हैं कि उन लोगों तक ये किडनी की जो बेसिक बीमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन है वह पहुँचाया जाए, ताकि वे अपनी किडनी का अच्छे से ख्याल रख सकें, किडनी को सुरक्षित रख सकें। मित्रों, किडनी किस वजह से ख़राब होता है? अगर हम देखें तो सोसाइटी में जब भी हम जो भी पेशेंट्स देखते हैं, उसमें 50-70% केसेस जो हैं किडनी के, वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ और अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की वजह से हैं। बाकी के 20-30-40% केसेस जो हैं, जिसमें किडनी में सिस्ट होना, किडनी में स्टोन होना, किडनी में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस नाम की बीमारी होना, वास्कुलाइटिस नाम की बीमारी होना, डिहाइड्रेशन है, या अनसुपरवाइज्ड पेन किलर का कंजम्पशन है, जैसे हम वोवेरान, ब्रूफेन, कॉम्बिफ्लेम या कोई भी पेन किलर मेडिकल स्टोर पे जाके ले लेते हैं और उसका कंटिन्यूस सेवन करते हैं, जिसकी वजह से किडनी खराब हो सकता है। तो अगर हम देखें तो 10 में से 5 से 6 पेशेंट की जो किडनी खराब हो रही है वो शुगर और ब्लड प्रेशर काबू में न रखने की वजह से हो रही है। तो हमारा उद्देश्य ये वेबिनार का यही है कि जो भी शुगर और प्रेशर के पेशेंट हैं वो ये वेबिनार को ध्यान से सुने और अपनी किडनी का ध्यान रख सकते हैं। हमको पता कैसे चले कि भाई किडनी में आज कोई भी बीमारी है या किडनी में कोई तकलीफ हो रहा है? तो उसके लिए वेरी सिंपल, अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, 3 चीज़ों से हम किडनी में जो कोई भी प्रॉब्लम है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। 1, कि आपको जो तकलीफें हो रही है। 2, कि आपके बेसिक लेबोरेटरी टेस्ट, एंड 3, आपके किडनी का अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। तकलीफ़ में क्या होता है? तकलीफ में आपको यूरिन में कोई भी तकलीफ हो रही है, जैसे यूरिन सीधे से नहीं उतर रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, या यूरिन में जोर करना पड़ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, या यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। 2, आपको सूजन आ रही है, पेट में पानी भर रहा है, छाती में पानी भर रहा है, और आपके सांस में दिक्कत हो रही है, आपको सांस लेने, आप नाक को नींद नहीं ले पा रहे हैं, और सांस में तकलीफ होने की वजह से आपको बैठ जाना पड़ रहा है। ये सब तकलीफें होती है। आपका हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा है, या आपको भूख नहीं लग रही है, उल्टियाँ हो रही है जिसका कोई कारण नहीं मिल रहा है, या आपका वज़न अचानक से कम हो रहा है जिसका कोई कारण नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें कॉमन लक्षण हैं जो किडनी की बीमारी में हो सकते हैं। किडनी की बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए लेबोरेटरी में आप सिंपल 3 टेस्ट करा सकते हैं, CBC, क्रिएटिनाइन और यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी। ये 3 लेबोरेटरी के टेस्ट कोई भी सिंपल लेबोरेटरी में हो जाते हैं, और अगर आप ये कराते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिक प्रॉब्लम किडनी में कुछ है या नहीं है। एंड 3 इज़ अल्ट्रासाउंड या किडनी का सोनोग्राफी, ये भी कोई भी रेडियोलॉजिस्ट के पास आप करा सकते हैं। तो किडनी का प्रॉब्लम डिटेक्ट करने में बहुत दिक्कत नहीं होता है, और आपके फिजिशियन, आपके जनरल प्रैक्टिशनर हैं, वो भी किडनी के टेस्ट करके देख सकते हैं कि किडनी में प्रॉब्लम है या नहीं है। 3, अभी हमको पता चला है कि भी हमारा किडनी में कुछ डैमेज है, तो क्या हर एक किडनी का डैमेज जो है वो परमानेंट डैमेज है, मतलब उसमें कोई रिकवरी के चांस नहीं होते हैं? जी ना, ऐसा नहीं है। किडनी के जो 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक है कि किडनी में टेम्पररी डैमेज होना, जिसको हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। उसमें कोई भी कारण से, जैसे आपने अनसुपरवाइज्ड ज़्यादा पेन किलर कंजम्पशन कर लिया, आपके बॉडी में या ब्लड में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, या ज़्यादा डायरिया वोमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, या बॉडी में पैंक्रियाटाइटिस नाम की बीमारी हुई है, या और कोई भी कारण है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया, जिसकी वजह से किडनी टेम्पररी शटडाउन फेज या किडनी टेम्पररी डैमेज हो सकता है। इन बीमारियों में 70-90% केसेस में किडनी रिकवर हो जाती है, बट उसको टाइम देना पड़ता है, और इस दौरान अगर डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो करवा सकते हैं और करवाना ही चाहिए, क्योंकि ये बीमारियां किडनी की रिवर्सिबल हैं। जो सेकंड वेराइटी है, जिसको हम परमानेंट किडनी डैमेज बोलते हैं, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ CKD बोलते हैं, जनरली जो CKD वेराइटी रहता है, उस वो इरिवर्सिबल या इरिपेरेबल डैमेज है,
मतलब ये किडनियाँ परमानेंटली डैमेज हो गई हैं, इनको सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये किडनी न तो मेडिकल साइंस या और कोई ऑल्टरनेटिव साइंस से ये बीमारी सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसमें ज़्यादा कोशिश करके अपनी तबीयत या दूसरे अंग को नुकसान करना उचित नहीं है। मित्रों, जब एक बार किडनी खराब हो गया और वो परमानेंटली खराब हो गया, तो क्या हमारा जीवन यहीं पर ख़त्म हो जाता है? जी ना, आप अच्छी और लंबी जिंदगी किडनी फेलियर के साथ भी जी सकते हैं। आपकी सोसाइटी, आपके आजू बाजू में आप देखेंगे तो काफ़ी लोग हैं जो किडनी फेलियर के साथ भी सालों अच्छे से जीवन जी सकते हैं। आप अपना रेगुलर रूटीन वर्क भी कर सकते हैं, और प्रोवाइडेड आप जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनकी प्रॉपर एडवाइस फॉलो करें। अगर एक बार किडनी खराब हो गया तो क्या क्या ऑप्शन रहते हैं? जो शुरुआत का किडनी डैमेज है, जिसको हम अर्ली सीकेडी बोलते हैं, सो अर्ली टू मॉडरेट सीकेडी में आपको मात्र दवाई और इंजेक्शन से ही सारवार दी जाती है, और वो आपको रेगुलर 2 से 3 महीने में आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से फॉलोअप करना रहता है, जिसमें आपका जो हीमोग्लोबिन है, आपके कैल्शियम फॉस्फोरस है, आपके पोटाशियम है, बाइकार्बोनेट है, ये सब की मात्रा का संतुलन किया जाता है, आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण किया जाता है, आपका शुगर नियंत्रण किया जाता है, आपका फॉस्फोरस कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से किडनी डैमेज जो है उसकी स्पीड को मिनिमाइज कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जितना हम बेहतर कंट्रोल रखते हैं, उतना हम किडनी डैमेज की स्पीड जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जब किडनी 10% से ज़्यादा डैमेज, 90% से ज़्यादा डैमेज हो जाती है और उसका फंक्शन 10% से कम हो जाता है, तब हमको आगे एक्स्ट्रा इलाज करना पड़ सकता है, जिसमें मेनली 2 टाइप के इलाज होते हैं, एक है डायलिसिस और दूसरा है ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट मतलब फैमिली में से या कैडेवर या डिजीज डोनर, मतलब जिनका मगज मृत्यु हो गया है, जिनका ब्रेन कम्प्लीटली या परमानेंटली डैमेज हो गया है, उनकी एक किडनी निकाल के हम पेशेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसको कैडेवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। या अगर परिवार का कोई सभ्य है जो किडनी दे सकते हैं तो वो लाइव डोनर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। और दूसरा है डायलिसिस। डायलिसिस 2 प्रकार के होते हैं, एक ब्लड का डायलिसिस जो सप्ताह में 3 बार किया जाता है, वो अस्पताल में किया जाता है, उसको घर पे भी सेटअप कर सकते हैं, जिसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं, तो वो हॉस्पिटल हीमोडायलिसिस या होम हीमोडायलिसिस कर सकते हैं। दूसरा डायलिसिस जो है वो उसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, जिसमें पेट में एक ट्यूब बिठाया जाता है और आपको घर पे उसका स्पेशल फ्लूइड है, वो हर 5-6 घंटे में एक बार भरना है और खाली करना है। इसका पूरा ट्रेनिंग आपके नेफ्रोलॉजिस्ट के गाइडेंस में आपको हॉस्पिटल के अंदर सुपरविजन में दिया जाता है। वो होम बेस्ड थेरापी है और सेल्फ थेरापी है, जबकि जो ब्लड का डायलिसिस है वो आपको हॉस्पिटल बेस्ड थेरापी है। मित्रों, अगर हम डायलिसिस करते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं, कौन सा बेहतर रहता है? जो पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल है, उनके लिए हमेशा ट्रांसप्लांट अच्छा और लंबा जीवन देता है, और अगर ये संभव नहीं है तो डायलिसिस सप्ताह में रेगुलर 3 बार करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छा जीवन मिले। अगर हम सप्ताह में 3 बार रेगुलर डायलिसिस करते हैं, या घर पर रेगुलर डायलिसिस जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो दिन में 3 से 4 बार करते हैं, तो लंबे से लंबा जीवन पॉसिबल है। नंबर 2, कि अगर ट्रांसप्लांट संभव है तो ट्रांसप्लांट की ही कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके केस में किसी भी कारणवश ट्रांसप्लांट संभव नहीं है तो आप डायलिसिस चूज कर सकते हैं। किडनी, एक बार हम किडनी को सुरक्षित कैसे रखें, प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या कर सकते हैं? देखिए, दीज आर द गोल्डन टिप्स। आप एक तो आपका डाइट है उसको हेल्दी बनाएं, जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा पास्ता और ये सब जो अभी ब्रेड और इसकी जो आइटम्स हैं उसको मिनिमाइज़ करें, घी ऑयल बटर ये सब चीज़ें मिनिमाइज़ करें, ओबेसिटी प्रिवेंट करें, ताकि ओबेसिटी से इनडायरेक्टली आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर बढ़ने की पूरी संभावना रहती है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो आपका शुगर नियंत्रण में रखें और रेगुलर फॉलोअप करें। आपका जो 3 महीने का एवरेज शुगर है वो 6.5 के आसपास ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। आपको ब्लड प्रेशर है तो आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे ही रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं रहना चाहिए। आपको अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपके फैमिली में कोई भी इंसान को किडनी का प्रॉब्लम है, तो आप साल में एक बार किडनी का चेकअप ज़रूर कराएं।
पेन किलर्स जो हैं, जो हम जैसे मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और कभी घुटनों का दर्द है, स्पेशली हम एल्डरलीज में देखते हैं कि भाई घुटनों का दर्द होता है तो वे लोग मेडिकल स्टोर पे जाके काफ़ी सालों तक पेन किलर्स लेते रहते हैं, तो ये पेन किलर्स अगर लंबा समय तक आप अनसुपरवाइज्ड कंज्यूम करते हैं तो आपको किडनी का प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। ऑप्टिमम हाइड्रेशन, ऑप्टिमम हाइड्रेशन मतलब आप ज़रूरत के हिसाब से पानी पीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इंसान को दिन में 4 लीटर पानी पीने की ज़रूरत है। अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के एडवाइस के हिसाब से ही लिक्विड इंटेक रखें, बट अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको बार बार स्टोन हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको पानी की मात्रा बढ़ानी ज़रूर रहता। अगर आप कोई व्यसन करते हैं, स्पेशली स्मोकिंग या कोई भी हिसाब कोई भी प्रकार का टोबैको यूज़ करते हैं, तो टोबैको इनडायरेक्टली डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को प्रमोट करता है, इसलिए आप आज से ही उसको कम करने की कोशिश करें और हो सकता है तो आने वाले 3 से 6 महीने में उसको कम्प्लीटली बंद करने की कोशिश करें। कोई भी हैबिट्स हैं टोबैको या स्मोकिंग, वो एक दिन में बंद नहीं हो सकती है, इसलिए आप उसको धीरे धीरे कम करके बंद करने की कोशिश करें। मित्रों, आप अपना और अपने परिवार का ये इन्फॉर्मेशन के साथ ध्यान रखें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है नीचे नंबर और ईमेल एड्रेस दिए हैं उस पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको ये बीमारी के साथ लड़ने में पूरी सहायता करें। धन्यवाद।